हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आपने सूजी का उपमा तो खाया ही होगा, आज मैं सेवई उपमा बना रही हूँ। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे राई और राई को अच्छे से तड़कने देंगे। अगर राई अच्छे से तड़कती नहीं है तो कड़वा सा लगता है। कड़ी पत्ता, मूंगफली थोड़ा सा डालेंगे। ये थोड़ा सा उड़द की दाल को भिगा दिया था मैंने भी एक घंटे पहले, इसको भी डालेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज होने देंगे इन सब चीज़ों का, मूंगफली और दाल का। इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को सॉफ्ट होने देंगे हल्के से। अब इसमें कटी हुई शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, इसको 3 से 4 मिनट इसी तरीके से चलाते हुए पकने देंगे। हरी मिर्च स्टार्टिंग में डालना भूल गए थे तो अभी से डाल देते हैं हरी मिर्च। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये है काली मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पाउडर, ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डालिएगा, नहीं स्किप कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अभी जितनी वेजिटेबल दिख रही है उतना ही नमक डाला है। बाद में इसमें जो और चीज़ें ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और डाल देंगे बाद में। इसमें ऑयल भी दिखने लगा है, ठीक है। और इसमें डाल देंगे ये सीजनिंग। इसको डालने के बाद इसको पानी ऐड करेंगे। पानी को हमें इस तरह मेजर करना है कि ये जितनी भी क्वांटिटी हम बना रहे हैं उसमें इस तरीके से बिल्कुल लेवल तक पानी आ जाना चाहिए। ये देखिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए इससे। अब इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे बस। और इसको ढक देंगे
2 से 3 मिनट के लिए, करीब 3 मिनट के लिए ढक देंगे। अब इसको चेक करते हैं, इसमें थोड़ा सा ये नींबू का, एक नींबू का जूस मैंने निकाला था उसको डाल देंगे। इसको ढकना नहीं है, सेवई उपमा बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी, वेजिटेबल्स भी पड़ी हैं और इसको सभी बहुत पसंद करते हैं, छोटे हों या बड़े। तो इसको सर्व करते हैं।